हेलो फ्रेंड्स, मैं सर निशांत कुमार सिंह, वेलकम यू ऑल टू रोड टू सक्सेस आईएसपी से प्रिपरेशन। हम लोग की इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आर एस शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी से कवर अप कर रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसका नाम है लाइफ इन गुप्ता एज। इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो इनिशियल दो पार्ट है हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं, चलिए चालू करते हैं इसके पार्ट नंबर थ्री के साथ। इससे पहले देखते हैं कि इनिशियल दो पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवरअप किया था। हमने जाना था कि गुप्ता एरा के दौरान क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्या ट्रेंड थे एग्रीकल्चर और ट्रेड को लेके गुप्ता एम्पायर में, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके के सोशल डेवलपमेंट हुए आपके गुप्ता एम्पायर और गुप्ता एरा के दौरान। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ बुद्धिज़्म, क्या बुद्धिस्ट रिलीजन की हालात थे गुप्ता एरा में। अब जो गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे उनके काल के दौरान काफ़ी कम रॉयल पैट्रोनेज मिला था बुद्धिस्ट रिलीजन को। अगर फायान की माने जो कि चाइनीज ट्रेवलर थे और चंद्रगुप्ता टू के समय गुप्ता एम्पायर के अंदर आए थे, उनके हिसाब से जो बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन था काफ़ी फ्लरिश कर रहा था गुप्ता एज के दौरान। पर अगर रियलिटी देखें और कंपेयर करें मौर्यन एम्पायर और कुषाण एम्पायर से, तो मौर्यन और कुषाण एम्पायर के दौरान काफ़ी बड़े स्तर पर रॉयल पैट्रोनेज मिला करता था बुद्धिज़्म को, जो कि काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गया था आपके गुप्ता के एरा के दौरान। इसके बावजूद जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने कुछ स्टूपाज और विहाराज बनवाए थे, जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है गुप्ता एम्पायर का बुद्धिज़्म को लेके, वो है कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप करने वाले जो गुप्ता राजा थे उनका नाम था कुमार गुप्त वन, और यही नालंदा यूनिवर्सिटी आगे चल के बहुत ही बड़े बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर के तौर पर उभर के आएगी। ये पड़ती है आपकी पटना बिहार में, पटना बिहार के पास। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म, कि किस तरीके जो भगवत रिलीजन है उसका ओरिजिन होता है, ग्रोथ होता है। जो भगवत रिलीजन होता है ये आपका सेंटर्ड अराउंड होता है वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड भागवत, यानी कि लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड भागवत की जो अर्चना पूजा है उसके अराउंड केंद्रित है आपका भगवतिज्म रिलीजन। भगवतिज्म रिलीजन का जो ओरिजिन होता है ये होता है आपका पोस्ट मॉडर्न टाइम के दौरान। जो लॉर्ड विष्णु होते हैं शुरुआत में आपके वैदिक काल के दौरान, वो एज अ माइनर गॉड पूजे जाते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है एज सन या फर्टिलिटी कल्ट, यानी कि जो वैदिक लोग बाग हुआ करते थे वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे एज अ माइनर गॉड, और उनकी पूजा इसलिए होती थी ताकि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो उस साल वो बहुत ज़्यादा हो और अच्छा हो। अब सेकेंड सेंचुरी बी सी के अराउंड एक गॉड थे जिनका नाम था नारायण। नारायण और लॉर्ड विष्णु का मर्जर हो जाता है और इन दोनों को कंबाइन कहा जाता है विष्णु नारायण। ये जो नारायणा गॉड हुआ करते थे ये बेसिकली एक नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड थे जिन्हें भागवत के नाम से भी जाना जाता था, और इनके फॉलोवर्स को कहा जाता था भागवतास। अब मात्र विष्णु और नारायण के मर्जर के होने की वजह से दो गॉड्स का ही मर्जर नहीं हुआ वैदिक और नॉन वैदिक, उनके जो फॉलोवर्स थे और उनका जो कल्चर था उनका भी आपस में मर्जर हो गया। जो ये नारायण हुआ करते थे इनको एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट देखा जाता था ट्राइबल चीफ का, और नारायण के भक्त उम्मीद करते थे कि उनकी वर्शिप करने से उनके भक्तों के ऊपर बड़े स्तर पर शावर होगी गुड फॉर्चून की, यानी कि अच्छे फॉर्चून की उनके ऊपर वर्षा होगी। अब जो विष्णु थे इन्हें आइडेंटिकल माना जाता है एक और लेजेंडरी हीरो से। ये लेजेंडरी हीरो हुआ करते थे आपकी वेस्टर्न इंडिया के विरशि ट्राइब के, और ये जाने जाते थे आपके कृष्णा वासुदेव के नाम से। अब कृष्णा वासुदेव को महाभारत एपिक के अंदर दिखाया गया है एज अ इनकारनेशन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब 200 BC के अराउंड ये जो तीनों स्ट्रीम ऑफ वर्शिपर्स होते हैं और गॉड होते हैं ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। जब मैं तीन स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ तो यानी कि विष्णु, नारायण और कृष्णा वासुदेव, ये तीनों मर्ज होके एक ही हो जाते हैं। मात्र इन तीन गॉड का ही मर्जर नहीं होता, इनके वर्शिपर और कल्चर का भी मर्जर हो जाता है और राइज होता है एक नई स्ट्रीम ऑफ वर्शिपिंग का, एक रिलीजन का, जिसका नाम है भगवतिज्म या वैश्विनिज्म। अब क्या मेन कंपोनेंट थे भगवतिज्म के देख लेते हैं। भगवतिज्म विश्वास करता था अहिंसा और भक्ति के अंदर। जब मैं भक्ति की बात करता हूँ तो भक्ति का मतलब है लविंग डिवोशन, यानी कि कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड भागवत। जहाँ अहिंसा की बात होती है तो उसका मतलब है नॉन किलिंग ऑफ एनिमल, जो कि क्लियरली सिम्बलाइज करता था उस समय की एग्रीरियन सोसाइटी की नीड को, क्योंकि जो एनिमल होते थे वो वेल्थ के तौर पर ट्रीट किए जाते थे और काफ़ी हेल्पफुल होते थे एग्रीकल्चर के लिए। वहीं लॉर्ड विष्णु को वर्शिप किया जाता था आम लोगों द्वारा, और उनको ऑफर किया जाता था पूजा के दौरान, अर्पण किया जाता था राइस और सीसमम को। अब जो भगवतिज्म रिलीजन था ये काफ़ी लिबरल रिलीजन हुआ करता था।
इस कारणवश इस रिलीजन ने काफ़ी सारे लोगों को अपनी ओर खींचा, अट्रैक्ट किया, जिसमें से मेनली थे आपके फॉरनर्स, आर्टिशंस और मर्चेंट्स। अब कुछ बुक देख लेते हैं जो कि भगवतिज्म रिलीजन के साथ एसोसिएटेड हैं। उन बुक्स में मुख्यतः है आपकी भगवद गीता, विष्णु पुराण और विष्णु स्मृति। अब भगवद गीता के अंदर कृष्ण कहते हैं कि वोमेन, वैश्य और शूद्रास उनकी पूजा करके उनमें शरण पा सकते हैं, उनमें रिफ्यूज पा सकते हैं। अब गुप्त एज के दौरान जो भगवतिज्म रिलीजन होता है, यह पूरी तरीके से ओवरशैडो कर देता है महायान बुद्धिज्म को, जो कि कुशांस और मॉडर्न टाइम के अंदर अपनी हाइट पे था, अपने पिनेकल पे था। अब भगवतिज्म रिलीजन के अंदर बात की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ इनकार्नेशन की, यानी कि लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड भागवत के अवतारों के बारे में। अब भगवतिज्म के अंदर बताया गया है कि लॉर्ड विष्णु जो भागवत हैं वो तब तब इनकार्नेशन लेते हैं जब उन्हें रिस्टोर करना होता है सोशल ऑर्डर को, साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट करना होता है और विक्ट्री के लिए खड़ा होना होता है धर्मा की। अब 6th century AD के दौरान लॉर्ड विष्णु जो हैं वो पार्ट बन जाते हैं ट्रिनिटी के, यानी कि वो अभिन्न अंग बन जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जोड़ी है उसका। अब 6th century AD के दौरान काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे गए ताकि पॉपुलराइज करी जा सके आपकी लॉर्ड विष्णु की वर्शिप को। इन टेक्स्ट में जो सबसे मेन टेक्स्ट है उसका नाम है आपका भगवता पुराण। अब मेडिवल इंडिया के अंदर आपकी ईस्टर्न इंडिया में भगवता गृहास का निर्माण किया गया। ये जो भगवता गृहास होते थे यहाँ वर्शिप होती थी लॉर्ड विष्णु की, साथ ही साथ जो उनके जीवन से लेके उनकी लाइफ से लेके जो भी लेजेंड्स होते थे, कहानियाँ होती थी, वो भी यहाँ सुनाई जाती थी। एक और जो टेक्स्ट है जो कि लिखी गई है लॉर्ड विष्णु के वर्शिपर्स के बेनिफिट के लिए, उसमें से जो मेन टेक्स्ट है उसका नाम है आपका विष्णु सहस्रनामा। अब जो कुछ गुप्ता राजा हुआ करते थे वो लॉर्ड शिवा के भक्त हुआ करते थे और लॉर्ड शिवा को माना जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पर लॉर्ड शिवा उस समय विष्णु जो होते थे, लॉर्ड विष्णु होते थे, उनके तरह मेजर गॉड नहीं थे। लॉर्ड शिवा आगे चल के मेजर गॉड के तौर पे उभर के सामने आएंगे। अब गुप्ता पीरियड के दौरान जो आइडल वर्शिप हुआ करती थी टेम्पल के अंदर वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई और काफ़ी कॉमन हो गई, और ये फीचर भगवतिज्म ने भी अडॉप्ट किया। अब काफ़ी सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाते थे गुप्ता एरा के दौरान, और कुछ फेस्टिवल तो एसोसिएटेड थे आपके एग्रीकल्चरल फेस्टिवल के तौर पे। इन फेस्टिवल्स के वजह से एक अपॉर्चुनिटी बनी जिससे इनकम इंक्रीज़ हुई आपकी प्रीस्ट की, क्योंकि जितने फेस्टिवल्स होंगे उतने ही आपके राइट्स होंगे, उतने ही आपके यज्ञ होंगे, और यज्ञ होंगे तो इनकम जनरेट होगी आपकी प्रीस्ट की। गुप्ता किंग जो थे वो काफ़ी टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो करते थे और काफ़ी टॉलरेंट थे हर रिलीजन के प्रति। अब गुप्ता काल के दौरान जो बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन होता है काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक ले लेता है हिंदुइज़्म के। जैसे देख सकते हैं कि जो पहले का जो बुद्धिस्ट रिलीजन हुआ करता था वो जो भी अपनी टीचिंग दिया करता था वो लोकल लैंग्वेज में दिया करता था। अब यही जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं ये संस्कृत के अंदर अपनी टीचिंग देंगे। इसके वजह से जो कॉमन मास के साथ इनका कनेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा, ये लग्जीरियस लाइफ जीने लगेंगे। साथ ही साथ जो गौतम बुद्धा हैं उन्हें एज अ लॉर्ड विष्णु के इनकार्नेशन के तौर पर भी आगे चल के दिखाया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।